Hi students, a very good evening everyone. How are you all doing? Good evening everyone. Bacche, please confirm, am I audible visible to everyone? Hi, good evening Sushmita, Nishigandha, Sariful, Sushmita, Anupam, Ravendra. Yes, please confirm, am I properly audible visible to everyone? Bacho, awaaz aa rahi hai, screen dikh rahi hai, sabhi ko please confirm kar dijiye ek bar. Audible, okay, okay, thank you, thank you. चलिए, thank you for the confirmation. I am doing good, Anupam. How are you? Okay, चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. Good evening, Naresh. चलिए, start कर session, all complete. चलिए जी. Okay, तो बच्चे, हमारा चल रहा है genetics का lecture series, जो है आज हमारा third day. Hello, Sarika. आज हमारा third day है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं about the polygenic traits. ठीक है? ओके दैट्स ग्रेट अनुपम, गुड इवनिंग शुभम. तो बच्चे ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं आपके ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में. हमने अब तक डिस्कस किया है क्या थे मेंडल के लॉ. थैंक यू नरेश फॉर द कन्फर्मेशन. हमने अब तक बात किया है अबाउट द बेसिक टर्म्स, फिर हमने बात किया था अबाउट द मेंडल्स लॉ. तीन लॉ की बात की थी हम लोगों ने, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. गुड इवनिंग अपूर्वा, हाउ आर यू डूइंग बच्चे. तो हमने कुछ बातें अब तक डिस्कस कर ली है. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स. व्हाट एग्जैक्टली आर दिस पॉलीजीन्स? नाम से समझ में आ रहा है पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, मल्टीपल, है ना. पॉलीमर का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली मल्टीमरिक चेन होती है, दैट इज एक्चुअली अ पॉलीमर थिंग. तो अगर आप बात कर रहे हैं बच्चे अबाउट द पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि येस मैनी, येस निशिकंधा, मतलब क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होगी आपके कैरेक्टर के लिए. अब तक हम क्या बोलते हैं, एक जीन है आपका टी जीन. हेलो साइली. अब तक हम बात ये करते थे कि आपका एक जीन रहता है टी जीन, जिससे एक प्लांट को हाइट मिलती है, प्लांट टॉल हो जाता है, है ना. आपका एक जीन होता है स्मॉल डी, जिससे प्लांट जो वो ड्वार्फ बन जाता है. हम लोग इसकी बात करते थे अब तक. बट आप लोगों को पता हो कि अगर प्लांट टॉल भी है तो सारे प्लांट की हाइट सेम तो नहीं रहती है. यू आर डूइंग गुड, दैट्स गुड टू नो बच्चे, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. ठीक है, सारे प्लांट्स की हाइट सेम तो नहीं रहती है. आप एक सपोज एक नॉर्मल कोई ट्री है, अगर वो ट्री की एवरेज हाइट जो 5 feet है, इफ सपोज द एवरेज हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट इज सपोज 5 feet एंड अगर वो प्लांट की हाइट चली गई है 7 feet, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट तो टॉल हो गया है. मुझे बताओ अगर वही प्लांट 7.5 दिखता है आपको, वही प्लांट अगर आपको 8 दिखता है, वही प्लांट अगर आपको 6.8 दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे, सारे के साथ तो टॉल ही प्लांट्स हैं, बिकॉज एवरेज से तो बड़े हैं ना सारे. बट सारे टॉल प्लांट्स के में हाइट सेम नहीं होती है, है ना. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे पॉलीजीन्स काम करते हैं. देयर आर मल्टीपल जीन्स जो उन पर एक्ट करते हैं, और ये मल्टीपल जीन्स जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट कैरेक्टर. ठीक है, तो मेंडल ने बात किया था बच्चे अबाउट द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, बट आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अबाउट द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. ठीक है, मेंडल ने बताया था प्लांट टॉल ड्वार्फ, कलर रेड और ग्रीन, सॉरी येलो और ग्रीन रहेगा. उन्होंने कुछ अलग बताया था हमको अबाउट द क्वालिटेटिव ट्रेड्स. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, जो हम पढ़ने वाले हमारे हैं आज के टॉपिक में, दैट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ द पॉलीजेनिक ट्रेड. मतलब क्या, तो मल्टीपल जीन्स कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और उनका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से एक्ट करते, सारी बात हम करने वाले हमारे आज के इस सेशन में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन देन. तो यस, जेनेटिक्स मतलब क्या, इट इज़ अ साइंस ऑफ वेरिएशन. हमको पता है कि वेरिएशंस तो बहुत आ रहे हैं, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशंस सीन इन द जेनेटिक्स. अगर हम बात करते हैं आपके अबाउट द मेंडेलियन ट्रेट्स, तो मेंडेलियन ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका क्वालिटेटिव ट्रेट. इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव ट्रेट जहाँ पे आपके सिर्फ 2 फिनोटाइप ही प्रेजेंट रहते हैं. अगर मैं बात करती हूँ प्लांट हाइट की, अगर मैं बात करती हूँ आपके प्लांट हाइट की, तो ये क्या हो सकता है, इट कैन आइदर बी टॉल और इट कैन आइदर बी ड्वार्फ. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आपके प्लांट के सीड शेप की, अगर हम बात करते हैं प्लांट के सीड शेप की, ये हो सकता है आपका, या तो हो सकता है राउंड या फिर हो सकता है ये रिंकल्ड. अगर हम बात करते हैं आपके प्लांट के सीड कलर की, अगर हम बात करते हैं सीड कलर की, ये या तो हो सकता है येलो है
या तो हो सकता है ग्रीन है। तो कुछ ये बातें की थी आपके मेंडल ने, मेंडल ने कहा था कलर या तो हो सकता है येलो या तो हो सकता है ग्रीन, बट सम टाइम्स कुछ ग्रेडियंट देखने को मिल सकते हैं, कुछ कभी कभी होता है ग्रेडियंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आता है बच्चे आपका फीचर जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है, वहाँ पे आता है आपका जो हम वर्ड बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स, दैट मीन्स वॉट, वहाँ पे अभी आपके मल्टीपल जीन्स आने वाले हैं और इन्हीं चीज़ों को वो आके कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम क्वालिटेटिव ट्रेट्स, एग्जाम्पल क्वालिटेटिव ट्रेट्स के आपके ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके अबाउट द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपके ये ऐसे ट्रेट्स रहते हैं जहाँ पे ग्रेडियंट आता है। ओके, इन दिस व्हाट वी कैन से, हियर देयर इज अ ग्रेडियंट रेंज विच इज प्रेजेंट इन द फिनोटाइप। गुड इवनिंग डोरा, हाउ आर यू। यहाँ पर आपका ग्रेडियंट जो रहता है एक तरीके से यहाँ पे मेंटेन रहता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रहेगी, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और वी ऑल्सो कॉल इट एज द ग्रेडियंट रेंज। मतलब कि वो धीरे धीरे करके जब चेंज 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 जब कंटिन्यूसली होती रहती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट रेंज, उसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लांट के हाइट की, इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट हाइट, सो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटेटिव ट्रेट क्या हो सकता है, ये या तो हो सकता है टॉल या तो हो सकता है ड्वार्फ। बट टॉल में भी अगर हम बात करेंगे कि प्लांट की हाइट जो है हो सकता है 7.5 फीट हो सकता है कि ये 8 फीट हो सकता है 8.5 फीट हो सकता है 9 फीट हो सकता है 9.5 फीट हो, ये सारे कहलाते हैं दीज आर द ग्रेडियंट रेंज। टॉल तो है, टॉल रहेगा कि ड्वार्फ रहेगा, ये कहलाता है बच्चे आपका एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, सॉरी क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। पर टॉल में भी कितना टॉल है, ड्वार्फ में भी अगर हो सकता है कि प्लांट जो है वो 3 फीट का है, हो सकता है प्लांट जो है 3.2 फीट का है, हो सकता है प्लांट 3.5 फीट का है, हो सकता है प्लांट 4 फीट का है, हो सकता है प्लांट 4.5 फीट का है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे कोई ड्वार्फ ही तो प्लांट्स कहलाएंगे। और ड्वार्फ में थोड़ी वैरायटी आ भी रही है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट इन केस ऑफ द प्लांट हाइट देयर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट इन केस ऑफ द प्लांट हाइट। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर, आपको प्लीज कन्फर्म कर दीजिए एक बार। अच्छा, एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, सारे सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, बता दो एक बार सभी को। यस सुदीप, कलर का हो सकता है। उसके बाद में देखो कलर में दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ सकती, कलर आ सकता है, सीट से पास से सारी चीज़ें आ सकती है, बट एक और चीज़ को ध्यान रखनी है कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये तो एक फैक्टर होता है ये पॉलीजीन का, बट कभी कभी आपका फैक्टर वहाँ पे आता है दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, कभी कभी को डोमिनेंस वाली चीज़ भी आती है, तो वो चीज़ें भी देखने को हमको कभी कभी मिल सकती। समटाइम द रीज़न कैन बी दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज वेल, जहाँ पता है कि रेड एंड व्हाइट फ्लावर को आप क्रॉस करते हो यू गेट अ पिंक फ्लावर, दैट इज़ द डिफरेंट केस। गुड इवनिंग कुमार, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ और ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो आप जो बोल रहे हैं कलर का रीज़न ये भी हो सकता है, कलर का रीज़न कभी कभी आपका वो चीज़ भी हो सकता है, दैट इज़ देयर कैन बी दिस मिक्सिंग एज वेल। प्लस हम बात करने वाले हैं कल के सेशन में अपने एपिस्टासिस, वहाँ भी हमको देखने को मिलता है दो फ्लावर का, हमको कलर कलर देखने को मिलेगा कभी कभी, तो वो क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या। गुड इवनिंग साधना, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है, दैट इज़ वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ समथिंग। ठीक है, हमको यहाँ पे पूरी ग्रेडियंट जो है देखने को मिल रही है। बच्चे अगर अभी हम बात करते हैं कुछ आगे की, तो ऐसा क्यों होता है, वाई एग्जैक्टली इज दिस थिंग। सो ध्यान रखना है इवोल्यूशन जो है ये बेस्ड है हमारा ऑन दिस क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। इवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन दीज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स बिकॉज दीज ट्रेट्स मेक्स अ पॉपुलेशन पॉलीमॉर्फिक। ये बहुत ज़रूरी है, ये ग्रेडियंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज इसी से आ रही है आपकी पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन बन रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देयर इज पॉली का मतलब मल्टीपल, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि आपका जो पॉपुलेशन का जो भी इतना वेराइटी है, टॉल पीपल, टॉल मतलब क्या होता है, अगर सपोज मेरी हाइट है 5'3" तो इफ आई सी अ पर्सन 6 फीट, मैं बोलूँगी यार तो टॉल है, फॉर मी 6, 6.4, 6.5 सारे मिले टॉल रहेंगे। तो
पॉपुलेशन में मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि आपके सारे इंडिविजुअल्स या तो 6 फीट है या तो 4 फीट है, देर इज नो वेराइटी, 6 के ज़्यादा कम नहीं एंड 4 से ज़्यादा कम नहीं। मेंडल ने हमको बात की थी तो क्वालिटेटिव, मेंडल जस्ट सेट कि टॉल और ड्वार्फ, बट टॉल में भी वेराइटी है, ड्वार्फ में भी वेराइटी है, वो बातें हमको पता चलती है जब हम बात करते हैं अबाउट दिस क्वान्टिटेटिव रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो येस दिस इवोल्यूशन बेसिकली जो हो रहा है आपको, जो चेंजेस आ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये बेस्ड रहता है आपके ऑन द क्वान्टिटेटिव रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट से मतलब क्या है, तो मल्टीपल जीन्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दैट इज मेकिंग द पॉपुलेशन पॉलीमॉर्फिक, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं इन दिस पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ दीज ट्रेट्स दे इन्वॉल्व मोर देन वन जीन। यस, वही तो बात हम करने वाले हैं कि आपके एक से ज़्यादा जीन रहते हैं रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपके मल्टीपल जीन्स जो आपके काम कर सकते हैं जब हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स। ठीक है, जब हम बात करने वाले हैं क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर द टू थिंग्स इंपॉर्टेंट हियर। तो एक तो बात होती है बच्चे आपके कि वेरिएशन जो है किस पे डिपेंड करता है, जो वेराइटी आ रही है इतनी सारी पे किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो बात होती है आपके जीनोटाइप पे। ठीक है, वन थिंग इज दैट ऑल दिस वेरिएशन जो है डिपेंड करता है आपके ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक होता है हमारा जीनोटाइप ऑफ ऑल द इंट्रैक्टिंग जीन्स, जो जीन्स वहाँ पे इंट्रैक्ट कर रहे हैं वो जीन्स क्या है, उनके जीनोटाइप क्या है, उस पर डिपेंड करता है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द एनवायरनमेंट, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एनवायरनमेंट क्या है, क्या कंडीशन है वहाँ पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। प्लस वहाँ पे कौन कौन से जीन्स इंट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि साथ में आपका कोई एक ऐसा जीनोटाइप प्रेजेंट हो सकता है ये इसको इफेक्ट कर रहा हो पॉजिटिव तरीके से, हो सकता है इसको इफेक्ट कर रहा हो ये नेगेटिव तरीके से। अगर पॉजिटिव से करेगा तो क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग खुशी, पॉजिटिव से करेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो फैक्टर जो रहेगा, एज जो रहेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हो पाएगा। अगर वो करेगा तो नेगेटिव तरीके से रेगुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको एक नेगेटिव वे में लेकर चला जाएगा। ये बात तो गलत हो गई है। तो मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द पॉलीमॉर्फिक दैट इज अ क्वांटिटेटिव ट्रेट, उसका मतलब क्या है, तो आपके मल्टीपल जीनोटाइप्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज वी जस्ट सेड दैट मोर देन वन जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर। अब ये जीन उसको स्टार्ट भी करवा सकता है, उसको एक्सप्रेस भी करवा सकता है, कभी कभी उसको वो स्टॉप भी करवा सकता है। तो इस तरीके से आपका जीनोटाइप प्लस आपका जो एनवायरमेंट है, दोनों डिसाइड करते हैं कि आपका जो फिनोटाइप बनने वाला है वो किस तरीके से फॉर्म होने वाला है, क्या वेराइटी रहने वाली है, क्या वेरिएशन रहने वाला है, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। सो लेट्स राइट वन फॉर्मूला। ठीक है, हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैं हट जाती हूँ ताकि हमें पूरी स्क्रीन मिल जाए फॉर्मूला लिखने के लिए। हम लिखते हैं हाउ वी कैन नो द टोटल वेरिएंस। अगर हमको निकालना है टोटल वेरिएंस तो उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग सारे लोग, ये फॉर्मूला को बहुत काम आने वाला है आगे भी, लिख लेना इसको अच्छे से। हम लिखते हैं बच्चे, एक होता है आपका फिनोटिपिक वेरिएंस, फिनोटिपिक वेरिएंस का मतलब होता है VP। एक होता है बच्चे आपका टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस दैट इज VT। उसके अलावा वी हैव सम मोर टर्म्स, जैसे कि एक होता है आपका VG का मतलब होता है जेनेटिक वेरिएंस, जेनेटिक वेरिएंस। उसके बाद में एक है आपका VD, इसका मतलब होता है डोमिनेंस, डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस। उसके बाद में वी हैव दिस VA, इसका मतलब होता है एडिटिव, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। सुजल सेशन आपका थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है, लाइक 10-15 मिनट्स पहले बस। ठीक है, VA है, एक होता है आपका VE, इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल वेरिएंस, इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल वेरिएंस। उसके बाद में वी हैव दिस वन मोर थिंग कॉल्ड एज VI, इसका मतलब होता है एपिस्टैटिक,
एपिस्टैटिक जेनेटिक, एपिस्टैटिक जेनेटिक वेरिएंस, एपिस्टैटिक जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है। हाय प्रकाश बाबू, हाउ आर यू डूइंग। तो ये सारे फैक्टर्स हमको याद रखने हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा बनता है आपका टोटल वेरिएंस, ठीक है। तब बनता है हमारा टोटल वेरिएंस। अब हम एक चीज़ लिख लेते हैं, फिनोटिपिक वेरिएंस, या फिर इसी को हम बोलते हैं टोटल वेरिएंस। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका एडिशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस। ये बात हमने अभी भी की थी, है ना, ये बात हमने अभी भी की थी। देखिए आपका जीनोटाइप क्या रहेगा और हमारा एनवायरमेंट क्या रहेगा, ये दोनों ही हैं जो डिसाइड करते हैं आपके पूरे जीनोटाइप को। दीज टू विल डिसाइड द जीनोटाइप दैट सॉरी दीज विल डिसाइड द फिनोटाइप एक्चुअली। तो आपका जो वेरिएशन है फिनोटाइप में डिसाइड करता कौन है, तो डिसाइड करता है आपका एक तो जेनेटिक वेरियंस डिसाइड करता है, प्लस डिसाइड करता है हमारा एनवायरमेंटल वेरियंस। तो एनवायरमेंट का क्या रोल रहेगा उसमें, वो इंपॉर्टेंट है, प्लस वहाँ पे आपके जीनोटाइप्स कौन से वो भी इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। अगर हम बात करते हैं अबाउट द जेनेटिक वेरिएंस, अगर हम वीजी की बात करें तो ये जो रहता है इसमें आते हैं आपके, एक तो होता है आपका डोमिनेंस जेनेटिक वेरिएंस, एक आता है आपका एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, और एक आता है आपका एपिस्टैटिक जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। उसके बाद में इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, होल सोल हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस वीपी सॉरी और वीपी और वीटी, इसका मतलब क्या होता है? तो आप वीजी को लिख लो, वीजी में आपके आते हैं डोमिनेंट है, एडिटिव है और एपिस्टैटिक है, इसका मतलब क्या? तो वीडी प्लस वी ए प्लस वी आई, ये वी जी हो गया, प्लस वी ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमको हेल्प करती हैं इन डिसाइडिंग द फिनोटिपिक वेरिएंस। ऑल दीज हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द फिनोटिपिक वेरिएंस, ये सब जो है हमको हेल्प करने वाली हैं इन डिसाइडिंग द फिनोटिपिक वेरिएंस। एनवायरमेंटल फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, एडिटिव इफेक्ट है कि क्या है वहाँ पे, डोमिनेंस है कि एपिस्टैटिक है, तो क्या इफेक्ट है, सब जो है वो मिलकर डिसाइड कराती है हमको कि क्या चीज़ हम लोगों को वहाँ पे ध्यान रखनी है करके, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए एक बार। फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्लस हमने बात की कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं, यहाँ तक की बातें क्लियर है का प्लीज़ कन्फर्म कर दो। तो हम पढ़ेंगे अभी आराम से, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करने वाली है हमारा आपके फिनोटाइप को। तो जहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, मैं हाइड हो जाऊँगी बिकॉज इन केस ऑफ द स्मार्ट बोर्ड हम मूव हो सकते हैं ताकि लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पीछे छुप जाती है चीज़ें, तो आई जस्ट हाइड फॉर सम स्लाइड्स, बाकी हम पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। चलिए गुड। तो यस, अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके अबाउट द जीनोटिपिक वेरियंस, ठीक है, इट सेल्फ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जीन इंट्रैक्शन अमंग इंटरैक्टिंग जीन्स। क्या नेचर है आपके जीन के इंट्रैक्शन का, मतलब क्या? तो आपके जो जीन्स प्रेजेंट है उसके अंदर ही अंदर, साइली कल नहीं था लेक्चर, कल लेक्चर नहीं हुआ था, कभी होता भी कभी नहीं भी होता, डिपेंड्स क्या है, तो ठीक है, कल लेक्चर नहीं था हमारा। तो यस बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पे आपको जो जेनेटिक वेरियंस जो रहता है वो खुद ही डिसाइड कर रहा है अपने नेचर ऑफ जीन इंट्रैक्शन को। दैट मीन्स वॉट, तो जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट तो रहेंगे बट क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हमारा जीनोटाइप वेरिएंस किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऐसे जो जीन्स है वो एक साथ में प्रेजेंट होते हो एंड ये जो है ये इसको एक्सप्रेस करवाता हो, एक कंडीशन है, और एक में क्या हो जाएगा, ये इसको नेगेटिव रेगुलेट करवाता हो सकता है ये जो ए जीन है इससे काफ़ी ज़्यादा होता है आपका इंटरनोडल इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। अगर इंटरनोडल इलोंगेट होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है जो प्लांट ने एवरेज ग्रो होना चाहिए था 6 फीट, हो सकता है कि वो आपका 8 से 10 फीट भी ग्रो हो जाए। बट वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके अबाउट द सेकेंड केस, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है हमको पता है कि वो करवाता है आपका
इंटरनोडल इलॉन्गेशन, बट सिंस वहां पे इसको हो रहा है नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी जो प्लांट आपका 8 हो रहा था अभी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रहेगा टॉल ही, एज इन प्रेजेंट तो एक्सप्रेशन तो होगा वहां पे, बट वो उतना टॉल नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा कम टॉल रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द जीन इंट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ में जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। अमंग दीज इंटरेक्शंस आपका जो एडिटिव इफेक्ट रहता है ये हमारा होता है मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। एडिटिव इफेक्ट जो हमारा सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है इन द होल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसका फिनोटाइप जो डिपेंड करता है आपके दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि डोमिनेंट एलील कौन सा है, एडिटिव क्या है, एपिस्टाटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन वहाँ पे कौन सी चीज़ें ऐड हो रही है, एनवायरमेंट कैसा, उन सब पर चीज़ें जो वो डिपेंड करती है। जैसे कि अभी देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, गुड इवनिंग निकिता, देखो एक चीज़ समझो अभी थोड़ा सा, हमको पता है दैट मेल्स हैव एक्स क्रोमोसोम, फीमेल्स ऑल्सो हैव एक्स क्रोमोसोम, एक्स दोनों के पास है, बट क्यों होता है कि फीमेल्स के अंदर कुछ अलग जीन्स बनते हैं, कुछ अलग चीज़ें जो है वो बनती है, फीमेल का बॉडी शेप, फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी वॉइस, सब चीज़ें अलग होती है, मेल का काफ़ी डिफरेंट रहता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज मेल्स बॉडी रिलीज डिफरेंट हॉर्मोन्स, फीमेल की बॉडी अलग हॉर्मोन्स रिलीज करती है, एंड वो अलग हॉर्मोन जो है वो वहाँ पे एक अलग एनवायरमेंट को क्रिएट करता है, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंट एनवायरमेंट क्या हो जाएगा बच्चे अभी, तो ड्यू टू दैट डिफरेंट एनवायरमेंट जीन्स जो है वो अलग तरीके से अभी एक्सप्रेस होते हैं, बिकॉज मेल्स हैव दैट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मेल्स के पास में होता है आपका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, ये बात हमको पता है, मेल्स हैव दिस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव दिस एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, फीमेल्स में क्या किया जाता है, तो एक एक्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसे, इन फीमेल्स वन एक्स इज इनएक्टिवेटेड, इस अक्षर को क्या बोलते हैं बता दो जल्दी से कोई तो भी, ठीक है, वन एक्स इज इनएक्टिवेटेड इन केस ऑफ द फीमेल्स, तो फीमेल के पास में भी एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास में भी एक्स क्रोमोसोम है, दोनों के पास में सेम ही तो जीन्स प्रेजेंट है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट या दे हैव सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट, बट वाई डू मेल्स के अंदर अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं, बियर्ड के जीन्स एक्सप्रेस हो गए तो उनके अलग जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, फीमेल के अंदर वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी हैव डिफरेंट हॉर्मोन्स, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा फीमेल के अंदर जो मेल्स में नहीं देखा जाता है, यस सुष्मिता, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट जो रहता है वो भी बहुत इंपैक्ट करता है आपके जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है, कम होगा ज़्यादा को वो डिसाइड करता है आपका जीन का एक्सप्रेशन जो वो डिसाइड करता है, क्यों, सभी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग रहता है, कुछ लोग का होता है ना जो बहुत खाते हैं मोटे नहीं होते, कुछ लोग का तो थोड़ा सा खा लेते हैं मोटा हो जाते हैं, तो जीन सबके अंदर वही है बट एक्सप्रेशन किसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो, यस यस वेरी गुड, बार बॉडीज, वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं बार बॉडी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं बार बॉडी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि दिस बार बॉडी इज बेसिकली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सेक्स इन चाइल्ड, आप लोगों ने सुना होगा कि हम बोलते हैं ना सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड, इट इज समथिंग कॉल्ड एज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड, तो वहां पे काम आता है आपका ये बार बॉडी, तो दैट गाय हमने अभी स्टार्ट किया बच्चे पे सेशन, अभी मतलब कि हमने कुछ 20-25 मिनट होकर हमने सेशन स्टार्ट किया है, एंड अब तक हमने पढ़ा है पिछले दो सेशन में हमने डिस्कस किया था मेंडल्स लॉ, बट इफ आर वेटिंग फॉर गैट बी इज अ रिक्वेस्ट दैट डू अटेंड सेशन एवरी डे, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीजेनिक, फिर हम कल हम बात करने वाले थे एपिस्टासिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कल के टॉपिक से, इससे भी सिंपल से पता है, कल से तो बहुत ही आसान आते हैं, आपको एक बार समझने की देरी है, समझना है आपको एक बार कि क्या रेशियो क्या फॉर्मूला है, देन यू विल आप ऐसे सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन, तो प्लीज अटेंड द सेशन रेगुलरली एट 8 PM ओनली, ठीक है, चलिए, बिकॉज यू कैन गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर हियर ओनली, मैं यहीं बैठी हूँ, अब जितने सवाल पूछोगे मैं हर एक सवाल पढ़ती हूँ, इट्स अ प्रॉमिस। तो क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी फीमेल होगी कि मेल होगा, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी तो क्या हो जाएगा, मोस्ट वेलकम, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ फीमेल, ठीक है, सो इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ बार बॉडीज तो इट इज फीमेल, एंड इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, बिकॉज मेल्स के पास में आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है तो उनके पास बार बॉडीज नहीं बनते तो वो आपका फिर मेल होता है, इज इट पॉसिबल क्या कि मेल के बॉडी में बार बॉडीज बने,
या मेल विल हैव अ बार बॉडी क्रोमोसोम? इज इट पॉसिबल, कैसा हो सकता है? विल मेल एवर हैव? यस सुष्मिता, वेरी गुड. तो देखो, फीमेल्स के पास में होते हैं आपके दो एक्स क्रोमोसोम्स एंड वन एक्स इज इनएक्टिवेटेड, जिसको हम बोलते हैं बार बॉडी. ये होती है आपकी फीमेल एंड दिस एक्स वाई यहाँ पे होता है आपका नो बार बॉडी, ये होता है मेल. ठीक है, यस 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 यस. चलिए नो नहीं, मैं एक और आपको एक्सेप्शन देती हूँ. ठीक है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे हम रब कर देते. देखो हमने क्या बोला है, इफ कंडीशन इज एक्स एक्स तो इट इज फीमेल इन दैट केस. ठीक है, बट एक कंडीशन होती है जिसमें कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम रहते हैं आपके एक्स एक्स वाई. अगर एक्स एक्स वाई कंडीशन तो क्या हो जाएगा, एक एक्स को करवाया जाता है इनएक्टिवेट, दैट इज यहाँ पे बनता है आपका बार बॉडी. बट दिस इज अ मेल, ओके, ये रहता है मेल एंड ही विल सफर फ्रॉम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. ये सफर करेगा फ्रॉम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. दिस विल नॉट बी नॉर्मल मेल, ओके, दिस विल नॉट बी अ नॉर्मल मेल, बट इट विल ही विल सफर फ्रॉम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. और कभी कभी क्या होता है कि बार बॉडीज नहीं दिखती है डॉक्टर्स को, डॉक्टर बोलता है कि बार बॉडीज ने मतलब कि फीमेल है पक्का, तो बड़ी सॉरी पक्का लड़का होने वाला आपके घर में, बट कभी कभी वो लड़की हो जाती है. वो होता है जब देर इज कंडीशन ऑफ दिस एक्स एंड ओ. इफ देर इज दिस ओ का मतलब है आपका यस क्लेनफील्ड, ओ का मतलब होता है नल, जीरो, नथिंग इज देयर. तो ये कंडीशन में वाई तो नहीं है, तो ये बनती है फीमेल एंड शी विल नॉट बी नॉर्मल फीमेल बिकॉज शी विल सफर फ्रॉम दिस टर्नर सिंड्रोम. ये सफर करेगी फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमको पता है कि अगर बार बॉडीज प्रेजेंट है तो इट इज अ फीमेल, अगर बार बॉडीज एबसेंट है तो इट इज अ मेल. ये हमको बात पता है ऑलरेडी. बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बार बॉडीज आपका प्रेजेंट है, बट बार बॉडीज आपका प्रेजेंट है स्टिल कभी कभी वो हो सकता है मेल हो, बट दैट मेल विल नॉट बी नॉर्मल, इट विल सफर फ्रॉम दिस क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. वहीं कभी ये हो सकता है कि आपका जो भी बार बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हमको लगेगा कि वो मेल है बट मेल नहीं रहेगा बच्चे, वो रहता है आपका, वो रहेगी फीमेल रहेगी, बट शी विल अगेन सफर फ्रॉम दिस टर्नर सिंड्रोम. यस एंड बोथ ऑफ दीज आर स्टराइल. पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस क्लेनफेल्टर और टर्नर वो स्टराइल होते हैं, वो और प्रोजेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं एंड दे विल ऑल्सो हैव सम अबनॉर्मलिटीज इन द लाइफ टाइम. उनके सेक्शुअल पार्ट्स प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट हाइट एंड एवरीथिंग, वो काफ़ी थोड़े से अलग जो है वो रहते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात होगी हमारी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली बात हो गई है. हमारा एक टॉपिक आने वाला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जहाँ पे हम बहुत सारे डिसीज पढ़ने वाले हैं अलग अलग, डोंट मिस दैट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे जीन परेशान करते हैं, हमको सारी बात हम करने वाले. ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है? कन्फर्म कर दो बच्चे एक बार, यहाँ तक की बातें क्लियर है? बार बॉडीज थोड़ा सा. सो यस, ये बात होगी आपके अबाउट द क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स. ठीक है, ये बात होगी अबाउट द क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स. सो आई टोल्ड यू अबाउट द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से क्रोमोसोम्स है, क्या है, हॉर्मोन्स कौन से एक्सप्रेस हो रहे हैं. नहीं दैट गाय, सेशन हमारा रात में डेली 8 बजे होता है, सुबह कोई सेशन नहीं. एक आपका होता है 5 बजे, दैट इज बैटल ग्राउंड हो रहा है ड्यू का, आज से स्टार्ट हुआ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आज बहुत मजा आई सेशन में, प्रतीक शर्मा ऋषभ सत्य सेशन में. ठीक है, तो दैट वाज वन सेशन जो आपको अटेंड करना है शाम को 5 बजे भी, और हमारा 8 बजे चलता है जेनेटिक का. ठीक है, एंड यू गेट द सेशन पीडीएफ इन द आईएफएस ऐप में आपको मिलता है पीडीएफ. सो इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑलरेडी, प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ, ताकि आप जाके वहाँ पे अपियर हो सको, आपको पीडीएफ सारी के सारे मिल जाए. ठीक है, चलिए. सो यस, इन दिस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इंट्रैक्टिंग जीन्स जो रहते हैं दे आर नॉट लिंक्ड. जो जीन्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं बच्चे, वो एक्चुअली लिंक नहीं होते हैं. एंड इफ दे आर नॉट लिंक, दैट मीन्स वॉट, दे विल शो अस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये अपने आप तरीके से ही प्रॉपर तरीके से वो सेपरेट भी होते हैं, असॉर्ट भी होते हैं, वी विल गेट अ नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिपिक रेशियो. रेशियो को नॉर्मल तरीके से यहाँ पे भी ऑब्टेन होता है. ठीक है, अभी मैं हट जाती हूँ ताकि हमको प्रॉपर स्क्रीन मिल जाए एंड लेट्स स्टडी वन एग्जाम्पल हियर. ठीक है, हम एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. नाउ सपोज वी हैव दिस टू स्पीशीज, अकॉर्डिंग टू मेंडल हम क्या करते हैं, हम हमेशा लेते हैं बच्चे होमोजाइगस स्पीशीज एंड होमोजाइगस
ऑपोजिट स्पीशीज है ना, वी ऑलवेज टेक होमोजाइगस स्पीशीज एंड वी ऑल्सो ऑलवेज टेक दिस होमोजाइगस ऑपोजिट स्पीशीज। गेट बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर साइली अभी तो जहाँ तक मुझे लग रहा कोई शेड्यूल नहीं है गेट बायोकेमिस्ट्री का सेशन, बट आपको जब भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल इट इज़ नॉट शेड्यूल्ड एनी सेशन, बट इफ देर इज सेशन इट विल बी इन्फॉर्म पक्का। ठीक है, इनका हम जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज पैरेंट वन एंड दिस इज पैरेंट टू। पैरेंट वन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है या तो कैपिटल ए दे सकता है या तो कैपिटल बी दे सकता है। दिस पैरेंट कैन गिव आइदर स्मॉल ए और कैन कॉन्ट्रीब्यूट आइदर स्मॉल बी, उसके अलावा ये कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, अभी वी विल हैव दिस कैपिटल ए फ्रॉम दिस साइड, स्मॉल ए फ्रॉम पैरेंट टू, कैपिटल बी फ्रॉम पैरेंट वन एंड स्मॉल बी फ्रॉम पैरेंट टू। अभी ये जो है, मोस्ट वेलकम, ये जो है ये है आपका एफ वन जनरेशन, ये कहलाता है हमारा एफ वन जनरेशन। अब इसकी हम करवाते हैं सेल्फिंग, ओके इसकी हम करवाते हैं सेल्फिंग। आपको पता है जब सेल्फिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्रॉस करवाने वाले, दैट इज वी विल डू दिस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इनके बन सकते हैं आपके खूब सारे कॉम्बिनेशन, क्या क्या बन सकता है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, एक बन सकता है इनसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये एक बन सकता है। उसके बाद एक बन सकता है आपका कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, या फिर हम बना सकते हैं हम लोग इसे कैपिटल ए एक ही स्मॉल ए आएगा और फिर कैपिटल बी कैपिटल बी। फिर एक बन सकता है आपका कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी, एक हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी हो सकता है। देन वन थिंग कैन बी कि तीन स्मॉल हो जाएंगे, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, या एक हो जाएगा आपका स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी बन सकता है, और एक बन सकता है पर जहाँ पे सारे स्मॉल रहेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। तो ये आपके सारे हो सकते हैं, ये आपके सारे वेरिएशन हो सकते हैं सुष्मिता। ठीक है, दिस आर अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन जो आपके फॉर्म यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, दिस आर द डिफरेंट एफ टू जो भी वेरिएशन आपके इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके एफ वन जनरेशन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके अबाउट दिस एफ वन जनरेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जीनोटाइप तो सेम रहेगा, ऑल द स्पीशीज विल हैव द सेम जीनोटाइप इज सेम फॉर ऑल, एंड इफ सपोज द जीनोटाइप इज सेम फॉर ऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई वेरिएशन आता भी है, इफ देयर इज एनी वेरियंस, तो ये होने वाला है आपका ड्यू टू एनवायरमेंट, ये होता है आपका ड्यू टू एनवायरमेंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं आपके जीनोटाइप की, अगर हम बात करें एफ एन जनरेशन की, तो एफ एन में क्या हो रहा है, सभी का जीनोटाइप जो है बिल्कुल सेम रहेगा, सारे स्पीशीज आपके सेम रहेंगे। जैसे मेंडल की बात हो, तो मेंडल ने क्या कहा था कि सारे आपके जो प्लांट्स रहते हैं ये आपके सारे के सारे जो है वो टॉल बने हैं आपके एफ एन में, बट वो टॉल में भी वेराइटी हो सकती है, वो टॉल में भी हो सकती है आपकी वैरायटी, जो वैरायटी आएगी वो आएगी ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। जीनोटाइप तो सबका सेम रहेगा अगर हम टॉल देखें प्लांट, तो अगर ये बात करते हो तो ये सारे के सारे टॉल ही थे, बट हो सकता है कुछ 5'4" हो, कुछ 5'5" हो, कुछ 5'6", दैट इज ड्यू टू दैट एनवायरमेंटल फैक्टर। हो सकता है आपके खेत के एक साइड में अच्छा पानी आता हो, अच्छा फर्टिलाइजर प्रेजेंट हो, एक जगह पर हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन ना हो पाया हो, तो ये बातें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके अबाउट द एफ टू जनरेशन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे देर इज डिफरेंट जीनोटाइप है ना, यहाँ पे देर इज डिफरेंट जीनोटाइप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं आपको जो वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे, ओके इन दिस एफ टू केस वेरिएशन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड एक तो एनवायरमेंट काम कर रहा है यहाँ पे एज वेल एज जीनोटाइप भी तो अलग है यहाँ पे सारे, एंड जीनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है, तो मैं हट जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं कि आपको जो वेरिएशन आता है एफ टू में,
एनवायरमेंटल तो है ही रीजन, कभी कभी आपका जीनोटाइप भी अलग है. तो वेरिएशन इज बोथ ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड द जीनोटाइप, दोनों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपके इस चेंज के लिए. ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है हम लोगों ने. तो यस, हमने यही लिखा है कि आपका जो एफ वन जनरेशन रहेगा बच्चे, यहाँ पे आ रहा है आपका वेरिएशन ड्यू टू द एनवायरमेंट, ओनली ड्यू टू एनवायरमेंट. जीनोटाइप इज सेम फॉर ऑल, सबका जीनोटाइप सेम है, वेरिएशन जो है आपका दैट इज ओनली ड्यू टू द एनवायरमेंट. ठीक है, और आपका जो एनवायरमेंट अगर चेंज होता है, इन डिफरेंट एनवायरमेंट वी हैव डिफरेंट फिनोटाइप. अगर एनवायरमेंट अलग रहेगा तो फिनोटाइप जो रहेगा हमारा वो भी अलग रहेगा, वो भी आपका अलग रहेगा. यस आई विल टेल यू. उसके बाद में अगर डिफरेंसेस बोला जा रहा है तो डिफरेंसेस ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड जीनोटाइप बोथ, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट भी जीनोटाइप भी जो है आपका दोनों भी अलग. ठीक है, और ये हमने कैसे बनाया है सारी का, तो देखो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले रखा है चारों को कैपिटल रखा है, दैट इज वी कंसिडर्ड एवरी एलील एज कैपिटल. ठीक है, हमने सारे एल को कंसिडर किया है कैपिटल. देन हमने क्या किया, फिर हमने एक एक को स्मॉल करना शुरू किया. इन द सेकेंड केस वॉट वी डिड, हमने फिर सिर्फ एक स्मॉल यहाँ किया, एक स्मॉल यहाँ किया. थर्ड केस में हमने फिर दो को स्मॉल करना शुरू किया, तो एक में हमने ए बी को स्मॉल किया, एक में हमने बी बी को स्मॉल किया, एक में हमने ए और ए को स्मॉल किया. थर्ड केस हमने फिर तीन को स्मॉल करना शुरू कर दिया, दो बी एक ए या फिर दो ए एक बी. एंड इन द फोर्थ केस वी टुक एवरी वन एज द रिसेसिव. ठीक है, ओके सुष्मिता रिपीट. तो देखो एफ वन में क्या हो रहा है, एफ वन में सभी का जीनोटाइप जो है वो सेम रहेगा, सारे के सारे बनेंगे आपके टॉल प्लांट्स. बट टॉल में भी जो वेराइटी आती है ना, कुछ प्लांट टॉल का मतलब 6'3" हो सकते हैं, कुछ प्लांट 6'5" हो सकते हैं, कुछ प्लांट 7 हो सकते हैं. यस, सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से, बिकॉज एवरी प्लांट इज हैविंग द सेम जीनोटाइप, एवरी प्लांट विल हैव द सेम जीनोटाइप. तो हम पर जो भी वेराइटी आएगी वो आएगी ड्यू टू द एनवायरमेंट. सपोज कि कंसिडर करो कि एक फार्म है, एक बड़ा सा कोई फार्म है, और इस फार्म में यहाँ पे बहुत अच्छा है पानी का प्रेजेंट. ओके, हो सकता है यहाँ के सॉइल जो है काफ़ी अच्छी फर्टाइल सॉइल है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, अच्छा वहाँ पे नाइट्रोजन का कंटेंट है, हो सकता है ना. फार्म में हो सकता है कि एक है पार्ट जहाँ पे ना पानी हमेशा जमा रहता है नीचे जाके, वहाँ पे बहुत सारे पैथोजन भी अटैक करते हैं. हो सकता है एक पार्ट है आपके खेत का ही जहाँ पे बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो आपके रूट्स को कंज्यूम करते हैं, रूट को कंटामिनेट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, सारे प्लांट के सीड का जीनोटाइप सेम है, सब टॉल ही बनेंगे, बट ड्यू टू द एनवायरमेंट, सॉइल, पीएच, पैथोजन सबके प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, उनका टॉलनेस में थोड़ी सी जो डिफरेंस जो है वो आ रहा है. तो एफ वन में एवरी प्लांट हैज द सेम जीनोटाइप, बट दे विल हैव वेरिएशन ड्यू टू द एनवायरमेंट. बट एफ टू में क्या हो रहा है, उनके जीनोटाइप भी चेंज हो रहे हैं, दिस विल हैव डिफरेंट जीनोटाइप, ये इसका अलग रहेगा. तो उनके जीनोटाइप भी आपके चेंज हो रहे हैं, बट आपका फिनोटाइप जो रहेगा वो चेंज होता है ड्यू टू द जीनोटाइप चेंज एज वेल एज ड्यू टू द एनवायरमेंट. ही यस अनामिका, एफ वन में ओनली एनवायरमेंट, एफ टू में बोथ एनवायरमेंट एज एंड वेल एज द जीनोटाइप. ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक की बातें क्लियर का कंफर्म कर दो बच्चे एक बार सारे, यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को, प्लीज कंफर्म वंस. आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है इस केस में, यही छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखनी है. आई गॉट इट, ओके ग्रेट. चलिए अभी हम बात करते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, व्हेन वी रिप्रेजेंट द फिनोटाइप्स इन अ ग्राफ, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब आप फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में, हो सकता है एक प्लांट 5.1 हो, 5.3 हो, 5.8 हो, 6.1 हो, तो आप जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो इस वैल्यूज को, तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और इसको हम लोग तीन तरीके से करते हैं, वी डू इट बाय थ्री वेज. पहला तरीका होता है बच्चे आपका, दैट इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. देर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ बनता है बच्चे आपका ओवरलैपिंग बेल शेप्ड. यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ग्राफ आपका ऐसे आता है. एंड देयर इज दिस कंटिन्यूअस वेरिएशन, देयर इज दिस, बहुत पास पास रहती है सारी लाइंस. ठीक है, बहुत ही पास पास रहती है आपकी ये सारी लाइंस, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस
वेरिएशन। कुछ इस तरीके से ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। इसका मतलब क्या है, तो आपके जो दो स्पीशीज रहते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। यू विल हैव टू स्पीशीज विच विल हैव अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस, उनका डिफरेंस बहुत ही कम रहता है। दे विल हैव अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सीन इन द एनवायरमेंट एज वेल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज अगर मैं आपको प्लांट बताती हूँ, प्लांट हाइट, ठीक है, हो सकता है प्लांट की जो हाइट है ये है आपका 5.11, एक है 5.15, एक है 5.18, हो सकता है कि 5.20, फिर हो सकता है आपका 5.5, हो सकता है 6, हो सकता है 6.2, हो सकता है 6.4, हो सकता है 7। तो ऐसे आपका ग्रेडियंट बनता है ग्राफ का, ठीक है, ऐसे कुछ ग्रेडियंट बनता है हमारे ग्राफ का। इन द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस वी राइट द रेट और एक तरफ हम लिखते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। यस अनामिका, आपको IFS के ऐप में जाना है, आपको जाके अपने को रजिस्टर करना है एंड आपको सेशन का PDF मिल जाएगा। आपके IFS के ऐप में एक सेशन होता है जहाँ पर आपको मिलता है फ्री कंटेंट मिलता है, इन द फ्री कंटेंट यू हैव टू गो एंड वहाँ पे आपका IIT जाम BT का एक बनाया हुआ है फोल्डर, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, प्लांट हाइट है, मैंने क्या लिखा है, तो अगर आप हम देखें अगर पहला अगर हम हाइट देखते दैट इज ओनली 5.11 एंड नेक्स्ट इज 7। इफ यू कंसिडर द फर्स्ट एंड द लास्ट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप पहला आखिर देखो तो बहुत डिफरेंस दिखता है हमको, दैट इज 2 feet का डिफरेंस आ रहा है, बट अगर आप आजू बाजू में देखो तो क्या हो जाएगा 5.11, 0.15 पॉइंट, दैट इज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, प्लांट में बहुत कम वेराइटी। हमारी हाइट देख लो, अगर आप हाइट कंपेयर करोगे आपकी क्लास में जाके तो हो सकता है अगर आपकी हाइट सपोज 5'5" है तो 5'5" इज अ वेरी ऑप्टिमम हाइट, है ना। 5 एक आपकी ऐसी हाइट है, उसमें ना क्वेश्चन भी आपके सेशन के एंड में है, क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर सपोज किसी की हाइट 5 है तो 5 इज अ वेरी ऑप्टिमम हाइट फॉर द इंडिविजुअल। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, फीमेल्स के लिए 5 हाइट इज अ वेरी कॉमन थिंग, 5 to 5.5 इस बीच में बहुत सारी फीमेल्स का हाइट होगा। कोई बताएगा मुझे यहाँ पे इसके बीच इस रेंज के बीच में किसकी हाइट है, बता दो जरा। यहाँ पे गर्ल्स है इस रेंज में 5 to 5.5, इस रेंज में कितने लोगों की हाइट है, दिस इज अ वेरी ऑप्टिमम रेंज। 5 to 6 भी लिख सकती हूँ मैं, बट 5 to 5.5 में बहुत लोगों की हाइट रहती है, दिस इज द वेरी लाइक अ वेरी प्रॉपर रेंज, इसमें बहुत हाइट आती है। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हेलो एस टी, आई एम डूइंग गुड बच्चे, हाउ आर यू। एंड यस, फिनोटाइप्स दे आर सो क्लोज, क्लोज नहीं आएगा, दे आर सो क्लोज दैट देयर इज नो क्लियर डिफरेंस। अगर आप एक 5.11 का लोगे, 5.15 लोगे तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.04, दिस इज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस, दैट इज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस। सी ओके, अरे कोई बात नहीं, इट्स अ गुड हाइट। ओके सी, मैनी आर हैविंग दिस हाइट रेंज, दिस इज हाउ टू रजिस्टर फॉर IFS। सारी फल एक काम कीजिए बच्चे, आप जाइए प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पर डाउनलोड करना पड़ जाकर IFS का ऐप डाउनलोड कर लो, फिर वहाँ पर आता है आपका यूजर नेम पासवर्ड, देर इज आइदर रजिस्टर योर सेल्फ और इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यू आर जस्ट लॉग इन देयर। तो आप एक काम करो, आप IFS का ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पे आप जाओ, दैट इफ़ यू आर अ न्यू मेंबर गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ फर्स्ट। आपको नाम डालना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है आपका वो ऐप, एंड देन यू गेट ऑल द फ्री कॉन्टेंट देयर, बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट है, डूइंग गुड, दैट्स ग्रेट। तो सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो रहते हैं आपके वो मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, इन दिस केस सपोज, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ गर्ल्स की हाइट हो सकती है 4 के आसपास होगी, कुछ की हाइट हो सकती है 6 के आसपास होगी, बट मैक्सिमम जो रेंज रहेगा वो आपके इंटरमीडिएट रहता है। आई थिंक यू ऑल विल अग्री, वेरी फ्यू गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ द रेंज 4, वेरी फ्यू आर देयर ऑफ द हाइट 6, बट जो मैक्सिमम जो रेंज रहता है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू इंस्टॉल द ऐप बिकॉज अभी आपके लिए एक टेस्ट आ रहा है, एक टेस्टेड यूई का टेस्ट आने वाला है आप लोगों के लिए. आप पे ही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दैट टेस्टेड हु अटेम्प्ट दैट टेस्ट एज वेल. आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कल परसों में, ठीक है. एक शेयर आपके लिए टेस्ट भी ला रहा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है. तो आई थिंक यू ऑल विल अग्री टू दिस कि मैम सही बात है, 4 height and 6 height वाली गर्ल्स बहुत कम रहती है, बट अगर हम 5 रेंज की बात करें तो मैक्सिमम गर्ल्स जो वो रिसाइड करती है इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ओनली, ठीक है. मोस्ट वेलकम. इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद में एक आता है आपका मेरिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपका देखा जाता है देर इज नॉन ओवरलैपिंग बेल शेप्ड ग्राफ. यहाँ का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है लाइक दिस. देर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर्स हियर, ठीक है. यहाँ क्या था, तो यहाँ पे बहुत ही पास प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ काफी दूर रहेगा. स्ट्रेट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. यहाँ पे ट्रेट है, वहां पे आपके फ्रीक्वेंसीज जो है वो लिखे हुए हैं. सो हियर फिनोटाइप्स दे कैन बी कैलकुलेटेड इन रियल नंबर. हम रियल नंबर्स में निकालते हैं. यहाँ पे हम डेसिमल तक चले गए थे, है ना, 5.11, 5.68. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकता है, आपका लिख लो एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से हम बात कर सकते हैं. वी कैन राइट हियर प्लांट्स हाइट, ह्यूमन्स हाइट, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन वेट एक्सेट्रा आपके आ सकते हैं इस एग्जाम्पल में. बट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, यहाँ पे देर इज नो डेसिमल. यहाँ पे हमको एग्जैक्टली नंबर्स लिखने होते हैं. वो हो सकता है 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 भी हो सकता है. इट कैन बी एनी पर्टिकुलर प्रॉपर नंबर. जैसे कि अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑन अ प्लांट, फ्रूट तो एक या दो ही हो सकता है. 1.3 फ्रूट क्या होता है, देर इज नथिंग कॉल्ड एज 1.3 फ्रूट. नंबर ऑफ एग्स लेड बाय बर्ड, बर्ड या तो एक अंडा देगी, 2 देगी, 4 देगी, 10 देगी, और कभी भी 1.5 अंडा, 2.5 अंडा, 2.75 अंडा तो नहीं दे सकती है. तो इसमें हम लोग ऐसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं विच कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इन द रियल नंबर्स. डेसिमल्स आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से कि शॉप में जाके कि भैया 4.6 अंडा दो मुझे, नहीं, यू कैन से 4.6. आपको बना पड़ेगा तो 4 अंडे दो, तो 5 अंडे दो, 4.6 अंडा नहीं मिलता है. आप आटा ले सकते हो जाके, भैया 4.6 kg का आटा दे दो, ये मिल जाएगा आपको, बट 4.6 आपको अंडा नहीं मिल पाता बिकॉज दैट इज अंडर दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसे फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो आप डेसिमल्स में नहीं काउंट करते, जिसको हम लोग फुल नंबर्स में काउंट करते हैं. और यहाँ भी आपका जो इंटरमीडिएट रहता है वो आपका हाईएस्ट रहता है, ठीक है. मतलब कि हो सकता है कोई प्लांट है वो सिर्फ 10 फ्रूट्स देता हो, कोई प्लांट है हो सकता है वो आपके 50 फ्रूट देता हो, बट 25 फ्रूट देने वाले प्लांट्स आपके मैक्सिमम रहेंगे. कुछ ही प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बहुत कम फ्लावर्स होते हैं, कम फ्रूट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बट आपके जो मीडियम वाले जो प्लांट्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम प्रेजेंट रहते हैं एनवायरमेंट. आई थिंक यू ऑलवेज अग्री टू दैट, ठीक है. सो यस, इन दिस केस फिनोटाइप्स आर कैलकुलेटेड इन रियल नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नो डेसिमल्स, रियल नंबर्स आर यूज्ड हियर. देन इन दिस केस द इंटरमीडिएट्स आर मैक्सिमम. आपके जो बीच के जो नंबर्स आ रहे हैं आपके मैक्सिमम रहते हैं आपके इंटरमीडिएट्स. एग्जाम्पल्स आ सकते हैं आपके फ्रूट्स, एग्स, या आपके एग्जाम्पल्स जो है वो आते हैं दिस मेरिस्टमैटिक तो टिश्यूज होता है, वेरी सॉरी, मैंने जहाँ पे मेरिस्टमैटिक बोला है, प्लीज मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. मेरिस्टमैटिक नहीं, मेरिस्टमैटिक तो सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेरी सॉरी. लास्ट इज द थ्रेशहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. अगर हम बात करते हैं आपके अबाउट द थ्रेशहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है यहाँ पे कैरेक्टर्स 2 ही रहेंगे. अब तक क्या हो रहा था, प्लांट की हाइट टॉल थी, टॉल में भी वो वैरायटी रेंज में थी, शॉर्ट हाइट की ड्वार्फ हाइट से वहाँ पे भी एक वैरायटी वेरिएशन रेंज में थी. बट यहाँ हम जो बात करने वाले हैं बच्चे अबाउट द थ्रेशहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके 2 ही फिनोटाइप्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपके 2 फिनोटाइप्स ही प्रेजेंट रहते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द मेंडेलियन क्वालिटेटिव कैरेक्टर. ऐसा क्यों, बिकॉज उन 2 कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे आपके मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व रहेंगे. फॉर दोज 2 कैरेक्टर्स मल्टीपल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर, दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर, दैट इज अ थ्रेशहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. जैसे कि प्लांट कैन आइदर बी रेजिस्टेंट और सेंसिटिव, ठीक है. प्लांट्स जो है ये आपके रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, सेंसिटिव भी हो सकते हैं, बट यस
आर कंट्रोल्ड बाय द पॉलीजीन्स, वो कंट्रोल होते हैं, वो पॉलीजीन से कंट्रोल रहते हैं उनका रेजिस्टेंस का, या फिर जो भी मैकेनिज्म रहेगा रेजिस्टेंस का, सेंसिटिविटी का, ये कंट्रोल होता है बाय द पॉलीजीन से होता है. तो दे विल लुक लाइक डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर्स. ओके, ये दिखेंगे कोई डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर की तरह, बट दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर. इसका ग्राफ ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि द प्लांट कैन आइदर बी रेजिस्टेंट और इट कैन बी सेंसिटिव. रेजिस्टेंट भी हो सकता है वो, सेंसिटिव भी हो सकता है वो. एंड यहां पर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, बट आप बोलो कि मैम आपकी, मैम यहां पे तो दो ही कैरेक्टर्स है, या तो रेजिस्टेंट है या तो सेंसिटिव है, तो क्यों ना ही क्वालिटेटिव कहलाए. बोल सकते क्वालिटेटिव, बट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि फॉर दैट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी वी रिक्वायर मल्टीपल जीन्स, फॉर दैट सेंसिटिव प्रॉपर्टी वी रिक्वायर मल्टीपल जीन, दैट इज पॉलीजीन्स आर इन्वॉल्व. इसलिए इसको हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ दिस पॉलीजीन्स पढ़ा जाता है. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही आपको हम पढ़ना है इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आइदर आपके जो वैल्यूज आएंगे वो डेसिमल्स में आ सकते हैं, समटाइम्स दे कम इन रियल नंबर्स, समटाइम्स दे आर यूज इन द ग्रेडियंट मैनर. रेजिस्टेंस तो, बट कितना रेजिस्टेंस है. समटाइम्स आपने सुना होगा कि कभी कभी प्लांट क्या रहता है, एक हद तक होता है टॉलरेंट, उसके बाद में वो मर जाता है. इफ़ यू स्प्रे समथिंग, तो क्या बोलती है आपकी मम्मी की, नहीं तो एक साथ ज़्यादा डाल दो ताकि उसकी डेथ ही हो जाए. इफ़ यू लाइक किलिंग, अगर आपने कुछ पाउडर डाला है वहाँ पे चीटियों के लिए. यस, मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व देयर. ठीक है, मल्टीपल जीन्स रहते हैं, उसी को कंट्रोल करते हैं हम एक तरीके से, कुछ इफेक्ट को बढ़ाते हैं, कुछ इफेक्ट को कम करते हैं. ठीक है, ये बात होती है आपकी अबाउट द थ्रेशहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट्स राइट वन एग्जाम्पल फॉर दिस मल्टीपल जीन्स. ठीक है, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग अभी ध्यान से. एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्या होता है आपका एग्जाम्पल, वीट कर्नल. क्या होता है वीट कर्नल, कोई बताएगा मुझे? यस नरेश, आई रिपीट, कोई बताएगा मुझे वीट का कर्नल मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय वीट कर्नल? वीट कर्नल मतलब क्या होता है बच्चे? What is wheat kernel? Not color, color नहीं है. Wheat kernel जो रहता है, नहीं नहीं color नहीं है वो. Wheat kernel जो रहता है बच्चे, that is the seed. ठीक है, जो seed part जो रहता है ना, variety नहीं है. वीट के अंदर तीन पार्ट्स रहते हैं आपके, जो वीट जो कर्नल में तीन पार्ट्स रहते हैं. एक तो ब्रान होता है, मतलब राइस ब्रान ऑयल. यस 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 शुभी, इट इज़ अ सीड फ्रॉम विच इट इज़ ग्रोन. आपके वीट के अंदर एक छोटा सा एक पार्ट रहता है, उसको कर्नल बोला जाता है. ओके, वीट कर्नल जो आपके छोटा सा पार्ट रहता है आपके वीट के अंदर, उसको हम बोलते हैं वीट कर्नल. ठीक, आपके वीट के अंदर एक छोटा सा पार्ट रहता है, सीड पार्ट रहता है, जिससे वीट का आपका ग्रो होता है, उसको हम बोलते हैं वीट कर्नल. ठीक है, सेकेंड पॉइंट रिपीट करवाना है नरेश को, तो सेकेंड पॉइंट देख लो. सेकेंड पॉइंट का मतलब था बच्चे आपका मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे या तो आपका नंबर वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, द नंबर कैन नेवर बी 1.5, 1.8, 2.1, 2.2. नहीं, फ्रूट आपका एक रहेगा, दो रहेगा, फ्रूट आपका कभी ढाई फ्रूट पेड़ पर नहीं लगता है. तो छोटा फ्रूट लगेगा, बड़ा फ्रूट लगेगा, पर कभी भी आधा फल नहीं लगता पेड़ में. लग जाएगा, भले आधे शेड़ा ने खा लिया वो अलग बात है, बट कभी भी आधा फल नहीं लगता है. तो वैसे फीचर्स को, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बढ़ते हैं इन दिस मेरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. डाउट है तो पूछ लो मुझे वापस से. आपका जो वीट जो कर्नल रहता है, इसका जो कलर रहता है, ये क्या रहता है देखते हैं. दे हैव दिस टू टाइप्स, एक है आपका डार्क रेड, डार्क
रेड और एक है वाइट, डार्क रेड एंड वाइट। ये जो है बच्चे तो जीनोटाइप रहता है R1, R1, R2, R2। वाइट का जीनोटाइप रहता है आपका R1, R1, R2, R2। दीज आर द टू डिफरेंट जीनोटाइप्स। अब इनका जब होगा फ्यूजन तो क्या हो जाएगा, दिस कैन कॉन्ट्रीब्यूट आइदर R1 और R2, एंड ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है आपके R1 को या फिर R2 को। तो फ्यूजन के क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा ये R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2। यही बन सकता है कॉम्बिनेशन, है ना, यही बन सकता है हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे। अब आप जब कराते हैं उसकी सेल्फिंग, हम जब करवाते हैं इसकी सेल्फिंग तो क्या वेराइटीज बनते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, क्या बनता है ध्यान से समझना। तो आप क्या करवा रहे हो, आप करवा रहे हो क्रॉसिंग, मैं नीचे लिख देती हूँ अलग से, वी आर क्रॉसिंग दिस R1, R1, R2, R2 विथ R1, R1, R2, R2। ऐसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग। आपका जो कैपिटल R1 है, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चे आपके, भी हम लोग क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। तो सपोज अगर आपका जो ये R1 है, R1 क्या कर सकता है, इट कैन गो विथ कैपिटल R2 और इट कैन गो विथ स्मॉल R2, ठीक है। थ्रेशहोल्ड का सेकेंड पॉइंट, ओके, देखो दिस कैरेक्टर लुक्स लाइक अ डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर। अगर हम बात करते कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज अ कंटिन्यूअस कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस कैरेक्टर। बट डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, दो कैरेक्टर्स रहना, दैट इज कॉल्ड एज द डिसकंटिन्यूअस। या तो ठक, या तो रेजिस्टेंट, या तो सेंसिटिव, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर। मेंडल ने दिया डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर, मेंडल ने कहा था या तो टॉल या तो ड्वार्फ, या तो राउंड या तो रिंकल्ड, या तो येलो या तो ग्रीन, ये मेंडल के कैरेक्टर्स थे। डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर्स वेयर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स गिवन बाय मेंडल। तो ये दिखने में लगता है मेंडल का एग्जांपल है, दिखने में लगता है कि रेजिस्टेंट है, डिसकंसिटिव है, तो मेंडल का एग्जांपल रहता है, बट दे आर नॉट एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ये एग्जांपल रहता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। कन्फर्म हो गया बच्चे। गुड इवनिंग अभिषेक, हाउ आर यू डूइंग, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू, इज इट क्लियर ना, प्लीज कन्फर्म कर देना। जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है, नरेश एक बार आप कन्फर्म कर देना, डाउट है तो पूछ लो एक बार, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस R1 कैन गो आइदर विद कैपिटल R2 और स्मॉल R2। वहीं हमारा जो स्मॉल R1 रहेगा, इट कैन आइदर गो विद कैपिटल R2 और इट कैन गो विद स्मॉल R2, ठीक है, ओके, ग्रेट। वहीं अगर आप बात करते हो, ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे आपके इन दूसरे के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका जो पैरेंट है, दोनों आपके ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना, दीज आर द कॉम्बिनेशन जो आपके फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था आपके येलो एंड ग्रीन, हमने जब लिया था राउंड एंड रिंकल शीट्स, तो आपके या तो राउंड के साथ में येलो जाएगा, राउंड के साथ में ग्रीन जाएगा, या फिर रिंकल के साथ में येलो जाएगा, या फिर आपके रिंकल के साथ में ग्रीन जाता था, ये बनते थे आपके चार कॉम्बिनेशन, है ना, ये बनते थे आपके चार कॉम्बिनेशन बनते थे इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे वैसे बनेंगे आपके चार कॉम्बिनेशन, तो एक कॉम्बिनेशन आएंगे आपके पैरेंट वन से, और वही आपका लिखेंगे हम लोग पैरेंट टू की तरफ भी लिखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर का प्लीज़ समझा दो मुझे एक बार, यहाँ तक की बात समझ में आई, हम लोग ने कुछ नहीं किया है, हम अभी सिर्फ एक क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं इन केस ऑफ मेंडल्स, हमारे इस केस में जहाँ पे ओके मरीफुल, ठीक है। देखो ये आपका दिख रहा है एज द मेंडल्स क्रॉस, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस लग रहा है आपको, ये दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक द मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस हमने कल देखा था, ये वाला जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर टू फीचर्स, रिस्पॉन्सिबल था फॉर टू फीचर्स, दैट इज वन वॉज द सीड शेप एंड कलर, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि दो जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द सीड शेप एंड सीड कलर, आज क्या हो रहा है दो जीन्स बट रिस्पॉन्सिबल है ओनली फॉर वन कैरेक्टर, यही होता है आपका पॉलीजीन। टू जीन्स
पॉलीजीन्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं पॉलीजीन, यही बात करेंगे हम, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द रेशियो, क्या मिला था जब ये क्रॉस परफॉर्म किया गया था, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ गुड टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ वेरी गुड पेज, जस्ट ड्रॉ कर लो पहले तो इसको, लाइक दिस। ठीक है, तो एक हम यहां लिख लेते हैं, जैसे हमने कल ड्रॉ किया था ना, बट वो हमने किया था फॉर टू कैरेक्टर्स, दैट वॉज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, देयर वर टू कैरेक्टर्स यूज्ड। यहाँ पे हम वैसे कुछ लिखेंगे, कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर टू, स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू, स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू, कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर टू, स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू एंड स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू। हम लोगों ने कल इसको लिखा था एक टेबल के फॉर्म में, वैसा ही हम लोग आज की वाले को लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल, ठीक है। अभी आपको सिंपली इसको सिर्फ लिखते चलना है, ठीक है, हमको यहाँ पे इसको सिर्फ लिखते चलना है, ठीक है, लिख लेते हैं। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, यहाँ से कैपिटल आर वन आएगा, कैपिटल आर वन आएगा, कैपिटल आर टू आएगा, कैपिटल आर टू आएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर वन कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, यू विल गेट इट, ठीक है। कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू कैपिटल आर टू, यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू एंड स्मॉल आर टू, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर वन कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, कैपिटल आर वन कैपिटल आर वन स्मॉल आर टू स्मॉल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू स्मॉल आर टू, वही लिखना है बस, टेबल कंप्लीट कर लो सारे लोग। कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू कैपिटल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, स्मॉल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू कैपिटल आर टू, स्मॉल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू स्मॉल आर टू, आई विल जस्ट हाइड। हाय फ्लोरा एंड फौना, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका अभी स्मॉल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू, स्मॉल आर वन स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू स्मॉल आर टू, ये बन गया है हमारा एक टेबल, ठीक है। ऐसा हमारा टेबल जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। अभी हमको क्या देखने को मिला था, ओके, हमको यहाँ पे अभी क्या देखने को मिला था, तो हमको इतना पता है एटलीस्ट कि अगर आपके सारे डार्क रहते हैं, इफ़ वी हैव ऑल द फोर कैपिटल्स, तो हमको मिलता है रेड कलर। तो यस, अगर सपोज आपके फोर डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट थे, If there were four dominant alleles present, तो यहाँ पे आएगा आपका एक ही प्लांट बन रहा है ऐसे, इसका जो कलर रहता है वो रहता है आपका डार्क रेड, कलर रहता है आपका डार्क रेड। वैसे लाइक एंड शेयर कर दो एक बार, मैं बोलती नहीं तो आप भूल ही जाते हो, बिल्कुल डार्क रेड है। अगर हम बात करते सेकेंड सिनारियो की, देखा गया था कि जहाँ पे आपके थ्री डोमिनेंट्स थे, जहाँ पे थ्री डोमिनेंट, मैं काला कलर लेते हैं, रुको, जहाँ पे आपके थ्री डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव थे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट द रेशियो, दैट इज़ नॉट द रेशियो, क्यों रेशियो नहीं बनेगा यहाँ पे,
आपके कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, याद करो। ये देखो, फोर डोमिनेंट, थ्री डोमिनेंट, वन रिसेसिव, टू डोमिनेंट, टू रिसेसिव, वन डोमिनेंट, थ्री रिसेसिव एंड फोर रिसेसिव, आपका ऐसा रेशियो बनेगा यहाँ पे। दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज पॉलीजेनिक ट्रेट्स है ना बच्चे, ये तो आपका ये डिफरेंस यहाँ पे आता है। हमारे ऐसे रिजल्ट देंगे अभी, वो अलग बात था, राउंड एंड येलो, वहाँ पे आपके दो फीचर्स आ रहे थे एक साथ, यहाँ पे आपके मल्टीपल जीन्स में के एक फीचर देते हैं। डोमिनेंट अलीस रहेंगे तो एक अलग कलर आएगा, डोमिनेंट रहेंगे तो एक अलग कलर आएगा, वन डोमिनेंट रहेगा तो एक अलग कलर आएगा, ठीक है। आपका 9:3:1 रेशियो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वाओ व्हाट इज वाओ, ठीक है। कुछ कुछ यूनिक पढ़ा हम लोगों के लिए, वेरी गुड। इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये देख लेते, थ्री डोमिनेंट कहाँ पे, तो तीन डोमिनेंट एक रिसेसिव यहाँ पे है, तीन डोमिनेंट एक रिसेसिव यहाँ पे है, यहाँ तो दो ही है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे और मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस थ्री डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जो है, ये चार में दिख रहा है हमको, ठीक है, चार में देखने को मिल रहा है। एंड दे हैड दिस मीडियम डार्क रेड कलर, मीडियम डार्क रेड कलर। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में हम बात करेंगे अभी टू डोमिनेंट एंड टू रिसेसिव, यहाँ दिख रहा है दो डोमिनेंट दो रिसेसिव, वन टू थ्री, यहाँ पे एक ही है, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, और कहीं पे है क्या, हाँ दिस इज सिक्स। तो हमको मिल रहे हैं दो डोमिनेंट दो रिसेसिव जो है, वेरी गुड सुष्मिता, दैट सो गुड टू नो बच्चे, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई लाइक इट व्हेन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेशंस, वो कुछ सीख के जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी बातें जान, सो हैप्पी, थैंक यू सुष्मिता। चलो ठीक है, तो ये जो थे आपके छह सारे आपके प्लांट्स जो थे, दे शोड द मीडियम रेड कलर का कर्नल बनता है, ठीक है, मीडियम रेड कलर आया था इनका। उसके बाद में ऐसे प्लांट्स, ओके, ऐसे प्लांट्स जहाँ पे आपके था वन डोमिनेंट एंड थ्री रेसेसिव, मतलब कहाँ पे है, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस थ्री, दिस इज फोर, ये भी आपका आता है फोर, एंड दीज प्लांट्स दे शोड दिस लाइट रेड कलर, ये शो करते हैं हमको लाइट रेड कलर। एंड लास्ट आएगा बच्चे आपका एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसा जीनोटाइप जहाँ पे है आपके फोर है रेजिस्टेंस, सॉरी रिसेसिव है फोर, ठीक है। तो ये आपका मिलता है सिर्फ एक ही प्लांट, एंड इसका जो कलर था दैट वाज एक्चुअली वाइट कलर, इसका जो कलर था ये आपका वाइट कलर का था, इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आपको ये बातें जो वो थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका जो रेशियो बना है यहाँ पे, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो हियर, ओके, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो हियर इन केस ऑफ दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। अब तक का रेशियो क्या था, फिनोटिपिक हमारा आता था, इन मेंडेलियन रेशियो क्या आता था, 9:3:3:1 आया करता था, बट यहाँ पे रेशियो मिला है आपको 1:4:6:4:1, बिकॉज यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है बच्चे, यहाँ पे डिसाइड कर, अब एक ही चीज डिसाइड, पहली बात तो हियर ओनली वन कैरेक्टर स्टडी, आपका कर्न का कलर क्या रहेगा, आपका व्हाइट रहने वाला है, रेड रहने वाला है, बट यहाँ पे मिलता है आपको ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्यों मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपके मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर तीन रेजिस्टेंस का जीन रहेगा तो थोड़ा डार्क रेड मिलेगा, अगर आपके तीन सेंसिटिव रेजिस्टेंस वाले, सॉरी आपके रिसेसिव वाले जीन्स तीन रहेंगे तो लाइट रेड देता है हमको कलर, ठीक है, लाइट रेड का रेड नहीं दिख रहा है क्या, मेरा ऊपर लिख, हमको मिलता है हमको लाइट रेड कलर जो है वो देखने को मिलता है। तो दिस इज हाउ वी गेट दीज रेशियो।
ठीक है, एक बार कंफर्म, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है आप सभी को? प्लीज कंफर्म इट वंस, यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कर दीजिए बच्चे एक बार सारे। ये हमको पढ़ना होता है इन केस ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये बात आपको पढ़नी होती है इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यस ओके, बढ़िया। चलिए ग्रेट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर। चलो यस 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 आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, एक आपका आता है टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें ये हो रहा है कि व्हेन इन अ गिवन जीनोटाइप ऑल द एलील्स कंट्रीब्यूट इनटू द फिनोटाइप, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। मतलब क्या, तो अगर सपोज एक कंडीशन है जहाँ पे जीनोटाइप का कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी है, या फिर हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी है, हो सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, कोई भी जीनोटाइप है, बट ऐसा जीनोटाइप जहाँ पे आपके सारे अलील मिलके फिनोटाइप को देते हो, उन इफेक्ट को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। दैट इज ऑल द अलील्स व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, इनसे आता है आपका एक फिनोटाइप, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द एडिटिव इफेक्ट। ठीक, वही एक होता है आपका डोमिनेंट इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, वन जीन इज डोमिनेंट ऑन अनदर जीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही जीन जो रहेगा ये इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है यहाँ पे कैपिटल ए जो है ये डोमिनेंट हो सकता है कि अगर दोनों प्रेजेंट तो आपके ये बी को एक्सप्रेस ही ना होने देता हो, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा आपका सिर्फ ए एक्सप्रेस होगा। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का तो क्या हो जाएगा आपका सिर्फ ए जो रहेगा वो एक्सप्रेस होगा। हो सकता है यहाँ पे अगर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा भी आपका फिर बी जो है वो एक्सप्रेस होगा। तो एडिटिव में क्या हो रहा है, एडिटिव में एवरी अलील रिसेसिव और डोमिनेंट सारे कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रीति। बिल्कुल क्यों काम नहीं आएगा आपको, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस सब जगह पे आता है, बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, ये कहलाता है पर डोमिनेंट इफेक्ट। मतलब क्या, यहाँ पे आपका कोई एक जो जीन रहता है वो डोमिनेंट रहता है ऑन अनदर जीन, वो रहता है डोमिनेंट रहेगा आपके अंदर जीन पर डोमिनेंट रहता है, बट अगर वो आपके रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा इन दैट केस फिर दूसरे को मिल सकता है डोमिनेंस। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डोमिनेंट इफेक्ट। तो आपके एडिटिव में क्या हो रहा था, एवरी अलील डोमिनेंट एवरी जीन सॉरी डोमिनेंट रिसेसिव सब इफेक्ट में हेल्प करे थे, बट यहाँ पे सब हेल्प नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ ही जो डोमिनेंट रहता है वही हमेशा जब अपना इफेक्ट को शो करता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट इफेक्ट बोला जाता है। तो ये सारा आपको पढ़ना होता है इन केस ऑफ द पॉलीजेनिक ट्रेट और द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। प्लीज कन्फर्म, यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक की बातें क्लियर आपको? प्लीज कन्फर्म कर दीजिए बच्चे एक बार, क्लियर है यहाँ तक की बातें? आपके लिए आज कुछ ही क्वेश्चंस है। हाय रसूल, एडिटिव का एग्जाम्पल आई हैव टू लुक एक्चुअली क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कुछ एडिटिव का मतलब। गुड इवनिंग रसूल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, एडिटिव में इतना ही होगा कि द थिंग इज ना कि एवरी जीन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, एवरी जीन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। तो अगर ऐसा हो सकता है कि गुड इवनिंग आई विश यू, ठीक है डिफरेंस जानना है, चलो ठीक है एक एग्जाम्पल समझो। सपोज अगर हम बात करते एडिटिव की, हो सकता है कैपिटल ए जो है सपोज इफेक्ट देता हो दो यूनिट। यस साइली, आराम से कोई घाई नहीं। हो सकता है कैपिटल ए जो है वो दो यूनिट का डिफरेंस देता हो सकता है कैपिटल बी जो है ये आपको चार का डिफरेंस देता हो सपोज। ठीक है, स्मॉल ए जो है ये हमको एक का डिफरेंस देता हो, स्मॉल बी जो है हमको वो तीन का डिफरेंस देता हो सपोज। ठीक, अगर सपोज
कंडीशन इज एडिटिव, तो क्या हो जाएगा, एडिटिव कंडीशन रहेगी. तो इन केस ऑफ दिस एडिटिव कंडीशन, इफ सपोज द जीनोम, इफ सपोज द जीनोटाइप इज लाइक दिस, कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल, तो क्या हो जाएगा आपका 2+2+4+4, दिस विल बी द टोटल इफेक्ट. इफ सपोज द कंडीशन इज कैपिटल है स्मॉल स्मॉल भी स्मॉल भी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल है मतलब कि 2 यूनिट का इफेक्ट आएगा, प्लस 1 का आएगा, प्लस 3 का आएगा, प्लस 3 का आएगा. दैट इज जस्ट द लेवल ऑफ जीन्स. यस, सारे जीन्स इन्वॉल्व होंगे इफेक्ट शो करने में. वहीं अगर आप बात करते हो आपके डोमिनेंट केस की, तो क्या हो जाएगा इफ द कंडीशन इज इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, तो यहाँ पे आपका सिर्फ डोमिनेंट वाला जो रहेगा वही इफेक्ट शो कर पाएगा, बाकी इसमें कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे. उन्हें तो डोमिनेंट जीन विल शो सम इफेक्ट, द अदर जीन विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक का ही डिफरेंस जो है वो हो सकता है, यहाँ पे आपका सिर्फ जो टू जो है वो आपको इफेक्ट जो है वो शो कर पा रहा है. इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट इफेक्ट. आई बात समझ में, आई बात समझ में अभी बच्चे, कन्फर्म कर दो एक बार. ओके, तो उन्हें तो डोमिनेंट विल शो द इफेक्ट, बाकी जो भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू भी है और एक बार फोर भी है, तो फोर आ जाएगा. इफ द कंडीशन इज कैपिटल है स्मॉल बी स्मॉल बी, तो क्या हो जाएगा सिर्फ आपको टू यूनिट का इफेक्ट आएगा, बाकी कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन में. ठीक है, बाकी नो वन विल कॉन्ट्रीब्यूट इन द एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को, प्लीज कन्फर्म कर दीजिए एक बार सारे. सो हमने बात किया है आज अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दैट मीन्स वॉट, मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे कि मेंडल ने कहा था, देयर इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, दैट इज प्लांट हाइट कैन आइदर बी टॉल और ड्वार्फ. बट हमको पता है कि टॉल में भी वैरायटी आ सकती है, ड्वार्फ में वैरायटी जो है आपकी वो आ सकती है. कैसी आती है हम लोगों ने बातें कर ली है. ठीक है, कैसी आती है वैरायटी हम लोगों ने उसकी बात जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है. ऑल क्लियर, चलो परफेक्ट परफेक्ट ग्रेट, बढ़िया. ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ. चार ही क्वेश्चन से, सिंपल वाले क्वेश्चन से लेट्स प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस करते कुछ क्वेश्चन की. चलो, तो आपका पहला सवाल, आई विल हाइड ताकि यू क्यू ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट. आराम से देखो और फिर हम डिस्कस करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू क्वान्टिटेटिव ग्रेड्स, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है टू क्वान्टिटेटिव ग्रेड्स. ओके, डी डी या व्हाट इज या, ये आंसर देना है आपको एनवायरमेंटल. अरे रे रे रे, डी डी, चलिए पीपल सेइंग डी, बैंग ऑन, ग्रेट गुड आंसर्स. ठीक है, सो यस, अनामिका, राहुल, सुदीप, अनुपम, शुभि, सुष्मिता, सारिका, पूजा, साइली, रविंद्र, निशिकंदा, यस यस यस, यू ऑल आर राइट, डी इज द करेक्ट आंसर, साधना, यस बच्चे. तो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है ये नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है. पॉलीजीन्स, ऑफकोर्स पॉलीजीन्स, मल्टीपल जीन्स, ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिख रहे हैं ना, दो जीन का नाम लिख रहे हैं आप लोग, जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर को. तो यस, पॉलीजीन्स आर डेफिनेटली इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स. एनवायरमेंटल, हमने बात तो किया था, आप एक बड़ा सा फार्म है, एक जगह का सॉइल अलग, एक जगह का सॉइल अलग है, प्लांट का हाइट अलग अलग हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी डिस्कस एक्स क्रोमोसोम मेल में भी फीमेल में भी है, बट हार्मोन्स अलग होते हैं, एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, बात की थी हम लोग ने इस बारे में. जेनेटिक, ऑफकोर्स जेनेटिक तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ही, जीन तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ही, बट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट से कुछ नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट से ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता आपके क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स में. ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर टू एवरी वन, प्लीज कन्फर्म, समझ गई है, कन्फर्म कर दो, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. डाउट रहा तो पूछना मुझे वापस. ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. थोड़ा सा अलग हो गया ये क्वेश्चन, नॉट ट्रू फॉर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये हमने आज नहीं पढ़ा है, अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं तो फिर हम पढ़ लेंगे कभी. यस यस, बढ़िया बढ़िया, चलिए, नॉट ट्रू फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. सी, सुष्मिता इज सेइंग सी. ठीक है,
तो यस, अगर हम बात करते हैं आपके अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिनको पता है कॉन्सेप्ट भैया बहुत अच्छी बात है, मैं जिनको नहीं पता मैं बता देती एक बार जल्दी से क्या है तो नहीं। चलो, व्हाट एग्जैक्टली द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, देखो आपका जब जायगोट बनता है, ठीक है, सो वी हैव अ स्पर्म विच इज हैप्लॉइड, वी हैव अ एग दैट इज हैप्लॉइड, बोथ विल फ्यूज, मेल से आएगा फीमेल से आएगा, एंड उनसे बनता है 2N सेल जो बनता है आपका जायगोट, ठीक है। दिस जायगोट इज एक्चुअली 2N, हमको पता है मेल कॉन्ट्रीब्यूट ओनली द न्यूक्लियस पार्ट, बट जो साइटोप्लाज्म रहता है वो पूरा मदर का यूज होता है, मदर साइड से होता है कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन पॉइंट, हम इसको पढ़ लेंगे किसी दिन, दैट मदर्स फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर देर इज दिस साइटोप्लाज्मिक, देर इज दिस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मदर की साइड से आता है पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है ये, यस मेटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, परफेक्ट सुष्मित, यस बच्चे गुड। तो आपका मदर की साइड से आता है साइटोप्लाज्म जो है वो आता है, तो बताएं तो कौन सी बात गलत है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल क्रॉस इज ऑलवेज डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, व्हाट वाज रेसिप्रोकल क्रॉस, तो याद है आपको, अगर सपोज कोई कैरेक्टर मेल का है कोई कैरेक्टर फीमेल का है तो क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल क्रॉस हम उसको चेंज कर देंगे, है ना, उसको चेंज कर देते थे, दैट वाज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। अगर पहले केस में आपने मेल कुछ अगर फीचर का लिया है तो सेकंड केस में फीमेल आप उस फीचर का लोगे, दैट वाज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट फीमेल कैन कॉन्ट्रीब्यूट साइटोप्लाज्म, मेल कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट साइटोप्लाज्म, तो येस इट इज डिफरेंट, ऑफकोर्स डिफरेंट रहेगा वो, है ना। अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मेल और फीमेल गैमेट्स, येस बिकॉज मेल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट न्यूक्लियस एंड फीमेल जो रहती है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपकी, येस जेंडर इंटरचेंज, येस एंड फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट्स द साइटोप्लाज्म, तो ये बात भी बिल्कुल आपकी सही हो गई है। इट फॉलोज अ मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं ये मेंडल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एक आपका टॉपिक आता है डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, एक आपका टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द डेविएशन, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती है, लाइक द ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसे कुछ आपके होते हैं जो मेंडल से अलग रेशियो देते हैं हमको, उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी उसी का एक्सेप्शन आता है। सो इट फॉलोज आ रहा है तो नहीं, इट इज एक्चुअली इट शुड आना चाहिए, इट शुड नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न इनहेरिटेंस, सो ये सेंटेंस हमारा सही कहलाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एच इज फॉर टॉल ट्रेट विच इज डोमिनेंट एंड स्मॉल एच इज द रिसेसिव ट्रेट फॉर शॉर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल रिजल्ट इन 1:1 टेल, सॉरी टॉल टू शॉर्ट प्रोजेनी, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, टॉल इज टू शॉर्ट का इक्वल रेशियो कहाँ मिलेगा हमको, वन इज टू वन का रेशियो चाहिए, जितने टॉल रहेंगे उतने शॉर्ट भी रहेंगे, वहां पे रहेंगे बी, सारिका इज सेइंग बी, क्या आपने कैलकुलेट, बी तो नहीं रहेगा, बी कैसे रहेगा, बी तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बी तो वो है ना जब हमेशा करते हैं जहां हमको मिलते हैं 3 tall एंड 1 dwarf, ये तो मैं देख के बता दूं ये गलत है, बी वाला भैया कंडीशन क्या है, बी आपका एफ एन जनरेशन तो आ रहा है, बी आपका आ रहा है एफ एन जनरेशन, कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच, ये आपका आएगा एच एच टॉल एच एच टॉल एच एच टॉल स्मॉल एच शॉर्ट, ये आपका 3 tall to 1 शॉर्ट वाला रेशियो आएगा, पूछ रहा आपको 1:1 पूछ रहा है, तो आपका बी तो बिल्कुल ही गलत है, बी तो आप आंसर दोगे तो बहुत ही गलत है, ठीक है। पहले में क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो सकता है ए, कौन बोल रहा है भाई अभी क्या कर रहे हो, ए मतलब क्या, ए मीन्स पैरेंटल है, याद है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इनसे सारे टॉल ही तो बनते थे, ये आपका होगा ऑल टॉल वाला कंडीशन, फर्स्ट इज द ऑल टॉल, अब सी बोल दो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, पहला कंडीशन रहेगा ऑल टॉल वाला, थर्ड इज द नॉर्मल कंडीशन जो हमेशा पढ़ते हैं,
बच्चे ये तो आप देख के बता सकते थे, थोड़ा सा अब मैम लेट हो गया, नींद आ रही, क्या खाना खाना, भूख लगी, कहाँ पढ़ा रहे हो तो यस एंड डी विल बी ऑल ड्वार्फ बिकॉज डी में तो सारे स्मॉल स्मॉल ही है, दिस इज ऑल ड्वार्फ कंडीशन। तो ये आपको बिना डब्बा सॉल्व के भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे इसको, है ना, आप बिना डब्बा बनाए भी सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज मुझे पता है कि अरे ये तो आपका पैरेंटल था, सारे टॉल बनेंगे, नहीं, अरे ये तो हमारा F1 के बाद का F2 बनता था, इसके बाद में तो आपके तीन टॉल आते थे, एक ड्वार्फ आता, 3:1 रेशियो आता था, ये भी नहीं आ हो सकता, तो ऑल ड्वार्फ बनेगा, नहीं आ सकता। चेक कर लेते हैं सी वाला एक बार, जो बहुत कम लोगों ने कहा है, बट कहा है, गुड गुड। किस किसने कहा है भाई, शुभी ने कहा था, सुष्मिता ने कहा था, शुभी, अनामिका, पूजा, गंधा, यस यस, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे सॉरी की वाली कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखो, कैपिटल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। किसी को याद हो तो मुझे बताओ कि ये क्रॉस हमने कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है ये क्रॉस, मुझे बता दो, मुझे हमने कहाँ पढ़ा है ये क्रॉस, सेम क्रॉस हमने पढ़ा है, किसी को याद हो तो बता दो, ये मैंने पढ़ाया है आपको, मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, तो यस यहाँ मिल जाएगा हमको, वी आर गेटिंग टू टॉल एंड टू शॉर्ट, दैट इज वी आर गेटिंग दिस 1:1 रेशियो, ओके वी आर गेटिंग द 1:1, यस टेस्ट क्रॉस, वेरी गुड, टेस्ट क्रॉस में देखा था हम लोग ने, बैंग ऑन बच्चे, ठीक है, बैंग याद है, टेस्ट क्रॉस में आपको मैंने बताया था, टेस्ट क्रॉस में क्या कर सकते हो आप, एक हम करते थे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, एंड एक हम करते थे कैपिटल स्मॉल इंटू स्मॉल एंड स्मॉल, दीज वेयर द टू टेस्ट क्रॉस परफॉर्म्ड, है ना, एंड हमको यहाँ मिलते थे आपके ऑल टॉल, एंड यहाँ आपको मिलता था टॉल टू डॉर्फ 1:1, तो किसी को अगर टेस्ट क्रॉस याद होगा तो वो भी बच्चा इसको आराम से सॉल्व कर सकता था, याद आ रहा टेस्ट क्रॉस, जो बच्चे डे वन से जुड़े उनको पता है ये बात अच्छे से, जो डे वन से है दे नो दिस वेरी वेल, आई बात समझ में आता है कि आपका आंसर सी सही आंसर है, ए बी डी तो देख के एलिमिनेट कर सकते थे, सी को एक बार चेक करना चाहते कर सकते, नहीं तो हमको पता टेस्ट क्रॉस हमने ऐसा परफॉर्म किया है जहाँ पर मिलता है 1:1 का रेशियो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे एवरीवन। इफ अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट पी प्लांट व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, अरे रे ये क्या सवाल है, ये भी कोई सवाल है, बता दो, ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, कृष्णा इज सेइंग सी, ठीक है गुड, ओके सेइंग बी, ओके बी बी, देखो इतना आसान सवाल है भैया, बहुत ही तो आसान है, क्या बोला जा रहा है, अ ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट पी प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट इज टॉल प्लांट, टॉल वर्ड में देखा शॉर्ट, दैट मीन्स वॉट, टी टी इज क्रॉस्ड विद अ स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स ऑल टॉल, बी इज द करेक्ट आंसर, आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम मिलेंगे कल, ठीक है, टुडे वी हैड लाइक अ डेढ़ घंटे का सेशन था, इट्स फाइन, कल हम बात करने वाले हैं अबाउट द एपिस्टासिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे 4 से 5 नए रेशियो देखने को मिलेंगे, ठीक है, कल हम बात करने वाले हैं, ओके शुभी मैं चेक करती हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन है, ठीक है मैं चेक करती हूँ, आई चेक इट, ठीक है पक्का, तो इट मे बी अपडेटेड 1 or 2 days, अभी मुझे कल टाइम मिलता तो मैं कल वो अपडेट करवा दूंगी, अब नहीं मिलता टाइम तो मैं 1-2 दिन में पक्का हो जाएगा, बट दैट विल बी डन, डोंट वरी, यू हैव जस्ट इन्फॉर्म मी, दैट्स अ गुड थिंग, मैं करवा दूंगी, ठीक है, तो बच्चे कल हम पढ़ने वाले हैं नरे जेनेटिक्स का, ये 3rd सेशन है आज का, आप बताओ कितने करने हैं, मैं चाहूँ तो महीने भर खींच सकती हूँ जेनेटिक्स, ये महीने भर हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, तो ओके, तो बच्चे ध्यान रखो, कल हम बात करने वाले हैं अबाउट द एपिस्टासिस, कैसे आपका
एक जिन किसी और को कंट्रोल करता है, कैसे करता है वो सारी बात हम कल देखने वाले हैं। एंड कल आपके यस 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 पक्का। एंड कल हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, कल बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, रेशियोज पूछेंगे डायरेक्टली। एंड आपको कल इतना आश्चर्य होने वाला है ना रेशियोज देख के, मैम ये क्या रेशियो आ गया है, बहुत अजीब रेशियोज कल मिलने वाला है हमको, बहुत मज़ा आने वाला है। जो अब तक हम बोलते हैं ना 9:3:3:1, आप हमेशा क्या बोलते हो 3:1, 1:2, 2:1, ये कुछ नहीं आएगा कल। कल आपके बहुत ही भयंकर रेशियोज बनने वाले हैं, कैसे कैसे होगा, बहुत मजा आएगी कल। तो डू अटेंड द सेशन एंड डू अटेंड लाइव एवरीवन, ठीक है। इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स एज वेल कि सारे लाइव आके अटेंड सेशन करो, सेशन को अटेंड करो, बिकॉज दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल एज वेल एज, ठीक है। चलिए तो यस, हैव अ वेरी गुड नाइट, मोस्ट वेलकम एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, गो एंड हैव योर फूड नाउ, खाओ, थोड़ा रेस्ट करो एंड देन स्टडी, ओके। चलो हैव अ वेरी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय, टेक केयर। बिल्कुल कल बहुत मज़ा आने वाली है पूजा, बहुत मज़ा आएगी कल, आप रेशियो देख के दंग हो जाओगे कि यार ये कैसा रेशियो बन सकता है, पॉसिबल भी है क्या ऐसा कुछ, तो बहुत मज़ा आएगी। एंड बच्चे कल का बैटल भी याद रखना, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कल हमारा बैटल है, टुमारो आई विल बी कमिंग विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, मैं प्रतीक्षा मैम कल आने वाले हैं, कल हम लेने वाले हैं बैटल बिल्कुल 5 बजे, बहुत मज़ा आएगा, उसमें भी ज़रूर जुड़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलो सी ऑल टुमारो, देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।